हाय एवरीवन, दिस इज गीतांजलि मंगल फ्रॉम प्रॉपर्टी ओके। आज मैं आपको एक नए प्रॉपर्टी पे लेके आई हूँ जो कि है प्राइम लोकेशन इन अंधेरी वेस्ट, विच इज वर्सोवा। तो वर्सोवा की ये प्राइम रेजिडेंसी है जिसका नाम है एक्वा रेजिडेंसी, और ये है वर्सोवा के अंदर। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट इज सराउंडेड बाय सो मेनी ग्रीन ट्रीज एंड सच अ ब्यूटिफुल सी व्यू। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग सी व्यू है, जी हाँ, वो नजर आने वाला है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी सैम्पल फ्लैट के अंदर कि कैसा यहाँ से सी व्यू है और क्या क्या एमिनिटीज है, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इन साइड दिस बिल्डिंग एंड सी की हमें क्या क्या है जो ये बिल्डिंग ऑफर करने वाली है। सो कम विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल लॉबी ओवर हियर। सो एज यू कैन सी इट इज अ ह्यूज लॉबी, और यहाँ पे जो है दो जो टावर्स होने वाले हैं, एक ए विंग और एक बी विंग के टावर्स होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके यहाँ आना पड़ेगा बिकॉज 85% ऑफ इट इज सोल्ड आउट। यस, सो डोंट डिले इट। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस इन वर्सोवा, चेक दिस प्रॉपर्टी आउट। यहाँ पे आपको जिमनेजियम, इंडोर गेम्स, टेरिस है जो वो एक मेजर पॉइंट रहेगा, बैंक्वेट हॉल एक मेजर पॉइंट रहेगा, ये सब फैसिलिटीज दी जा रही है। सो कम इनसाइड विद मी, दिस इज योर लॉबी ओवर हियर। ये आपकी एंटर करते ही जो है आपकी लॉबी होने वाली है। देन आगे जाके हम लिफ्ट से ऊपर सैम्पल फ्लैट चेकआउट करने वाले हैं। आई थिंक 20-21 फ्लोर्स है यहाँ पे, और उसके बाद टेरेस है। मैं आपको टेरेस दिखाने वाली हूँ, टेरेस से क्या व्यू है वो दिखाने वाली हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉपर्टी है, पोजेशन इज वेरी सून, प्राइसिंग क्या रहेगी वो भी बताने वाली हूँ। सो 3 BHK एंड 2 BHK दोनों के लिए मेरे साथ बने रहिए, लेट्स गो। So with your naked eye you'll have to come here and check out this amazing view. I am telling you it is really beautiful, and सबसे बड़ी बात है कि बहुत peaceful area है। I don't think मेरे अलावा यहाँ पे किसी की भी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। It's just birds chirping all around. आप थोड़ा सा क्लोज आके हम अगर थोड़ा सा पैन करके कैमरा को उस तरफ का भी व्यू दिखा सकते हैं। आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल हियर, और इतना ज्यादा पीसफुल है, आप बर्ड्स देख सकते हो अपने आस पास। आई थिंक द व्यूज आर रियली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब आपकी बैल्कनी होगी। अगर हम पीछे जाके देखें तो ये बैल्कनी जो है ये भी बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है। आप एक्चुअली यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे यू नो अपनी चेयर्स रख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन पुट हैंगिंग थिंग्स, यू कैन डू अ लॉट विद योर बैल्कनी, एक्सपेरिमेंट अ लॉट। यहाँ पे आप पूरी विंडोज लगा सकते हैं बड़ी बड़ी, फ्रेंच वॉल को हटा के प्रॉपर जो है यहाँ पे इवनिंग टाइम की जो है सिटिंग प्रॉपर बन सकती है, स्पेक्टेकुलर व्यू हियर। तो अभी हम बालकनी से निकलते हुए वापस आ गए लिविंग एरिया में। आपको मैं लिविंग एरिया एक बार अगर दिखाऊं फिर से, तो दिस इज अ लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर इतना बड़ा इंच का टीवी अगर यहाँ फिट किया है, यहाँ आप ऊपर भी कैबिनेट बना सकते हैं, नीचे भी कैबिनेट बना सकते हैं। देन दिस इज योर डाइनिंग एरिया। एज आई टोल्ड यू, डाइनिंग एरिया बहुत ज्यादा स्पेशियस है, प्लस 6-सीटर डाइनिंग ऑलरेडी इन्होंने फिट किया है यहाँ पे। यहाँ आप देखेंगे ये पूरी आपकी क्रॉकरी वाली जगह है। सो यहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी जो है वो न्यू सेट कर सकते हो, यहाँ पे बड़े कैबिनेट्स बना सकते हो। सो ये भी है जो बहुत एम्पल ऑफ स्पेस है, वहां आप अपनी सीनरीज रखी है, ये आपका सीलिंग हो गया। तो किचन से बाहर निकलते ही जो है आपको यहाँ पे क्रॉकरी की जगह। अब जब किचन और उसके बाद में यू नो एंटर करते हो, जो मैं आपको स्पेस दिखाया था, ये जो फॉयर वाला स्पेस है, यहाँ पे आप अपने शू रैक्स और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप, यू कैन इवन यू नो प्लेस दैट ओवर हियर। सो अंदर चलते हुए, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ 3 BHK, तो अब हम इनके रूम्स है जो वो चेकआउट करते हैं। कम विद मी। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, दिस इज अ कॉरिडोर। कॉरिडोर के पास आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये जो है ये कॉमन वॉशरूम है आपका यहाँ पे। एज आई टोल्ड यू इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, सो दिस इज योर यू नो वॉशरूम विच इज अ कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के लिए दिस इज अ लॉट ऑफ स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपका शावर एरिया है जो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। दिस प्लेस इज योर फॉर योर कमोड एंड दिस इज फॉर योर सिंक। इट इज अ कॉमन वॉशरूम ऑफ 3 BHK एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है। हमारे घर पे गेस्ट आते रहते हैं, सर्वेंट्स को हमें कई बार यू नो बाहर दूसरे वॉशरूम्स में देना पड़ता है। सो ये जो है एंटर करते ही आपकी बेडरूम की स्पेस को नहीं लेता है। आप एंटर करेंगे तो पहली चीज आपको यहाँ पे वॉशरूम दिख जाएगा। सो नोबडी हैज टू एंटर योर प्राइवेट स्पेस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अभी आते हुए
कॉमन वॉशरूम के बिल्कुल ऑपोजिट में है ये मास्टर बेडरूम. दिस इज वन ऑफ द मास्टर बेडरूम्स ऑफ 3 BHK. और यहाँ पे आप देखेंगे अटैच वॉशरूम है जो वो आपको यहाँ पे दिया गया है एंड इट इज अ लॉट ऑफ स्पेस. अब यहाँ से आपको सेम व्यू दिखने वाला है विद जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एडेड ग्रीनरी. यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीन व्यू ज्यादा है आपके लिविंग एरिया से. आप अगर देख सकते हैं तो पीछे बहुत ज्यादा ट्रीज है आपको दिख रही है. आपको पीछे से लेक भी है जो वो नजर आ रहा होगा अगर आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे. तो दिस पार्ट ओवर हियर इज राइट योर लेक एंड सो इससे पता चलता है दैट इट ऑलरेडी हैज अ सी व्यू. और जो ये अपार्टमेंट है ये प्रॉपर सी व्यू के अपार्टमेंट्स है. सो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग स्पेशली अगर आप वर्सोवा में घर ढूंढ रहे हैं तो सी व्यू होना तो बनता है. सो ये आपका मास्टर बेडरूम है. यहाँ पे मैं आपको स्पेस दिखा देती हूँ एक बार. आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, साइड टेबल मेरे पीछे पड़ा है, फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. आप अपनी बेडिंग है जो वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. देन सामने जो है आपका प्रॉपर कैबिनेट एरिया है वो यहाँ पे बन सकता है. आप यहाँ पे अपना टीवी सेट कीजिए, बुक्स रखिए, व्हाटएवर यू वांट टू कीप. नाउ दिस इज योर अटैच्ड वॉशरूम जो मैं आपको दिखाती हूँ. अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगी इस घर में भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस प्रॉपर विंडोज दे आर हियर फॉर द वेंटिलेशन पर्पजेज. ये आपका कमोड का यू नो जगह है. सो यहाँ पे जब आप देखेंगे दिस इज द वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम है. ये आपका शावर स्पेस है. आप इसको जैसा आप चाहे वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं बिकॉज ये एक सैम्पल फ्लैट है और अंडर कंस्ट्रक्शन वाला सैम्पल फ्लैट है. तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें आपको करके दिखाई है बट दिस इज द वॉशरूम दैट यू कैन सेट. आप यहाँ पे प्रॉपर अपना मिरर जो है डिवाइडिंग को लगा सकते हैं. जैसे आप और वीडियोज अगर हमारी चेकआउट करेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर होटल स्टाइल वॉशरूम है जो उसके हमने आपको सैम्पल्स दिखाए हैं. तो आप उनमें से कुछ इंस्पिरेशन लेके अपने ये घर को सेट कर सकते हैं. यहाँ पे जब आप देखेंगे बेड साइड का जगह है, उसके बाद ये जो स्पेस है दिस इज अ वार्डरोब स्पेस. तो यहाँ पे जो है आप अपने प्रॉपर वार्डरोब सेट कर सकते हैं. तो अगर आप इस वॉल से, अगर मैं क्लोज लेकर आऊं कैमरा को थोड़ा सा, तो इस वॉल से आप अगर देखोगे ये वॉल है जो दिस इज द डिवाइडिंग पार्ट एंड इट्स शोइंग दैट यहाँ से जो है आपका वार्डरोब स्पेस शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे पूरी लाइन से आप प्रॉपर आई थिंक 4-door वार्डरोब तो आराम से आ जाएगा. और उसके बाद भी देखो कितनी स्पेस है इस रूम में. सो ये वन ऑफ द मास्टर बेडरूम था. ये आपका कॉमन वॉशरूम है. ये जो है आपका आई थिंक दिस इज योर कॉमन बेडरूम. कॉमन बेडरूम के लिए अगेन मैं आपको व्यू जो है वो यहाँ से दिखाती हूँ. ये आपका वार्डरोब्स है जो वो लगा के यहाँ पे आपको दिए गए हैं ऑलरेडी. तो ये आपके पूरे वार्डरोब्स है यहाँ पे. और उस तरफ जो आप देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी वन डोर तो नहीं है ना. सो वार्डरोब है वहां पे एंड ये जो आप देखेंगे यहाँ से दिस इज योर व्यू फ्रॉम अ कॉमन बेडरूम. कॉमन बेडरूम के लिए अगर आप हैव अ लुक देयर पूरा रूम एक बार आप देखिए. सामने आपके वार्डरोब्स है जो बना के आपको दिखाए गए सैंपल फ्लैट में. ये आपका बेड है और दिस इज योर व्यू. यहाँ से एब्सोल्युटली आपको ग्रीनरी नजर आने वाली है. इफ यू विल हैव अ लुक हियर तो आप देखेंगे कि पूरी ट्रीज ही ट्रीज जो है वो आपको यहाँ से नजर आने वाली है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द व्यूज जो कि हमारे यू नो काफी ज्यादा डिमांड में रहता है बिकॉज ग्रीनरी इज ऑलवेज वॉन्टेड. और जो ग्रीन व्यू है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर, विच इज अमेजिंग. आई थिंक एक साइड पे सी होना और एक साइड से ग्रीनरी दिखना, इट इज अ रियल रियल डील. तो आपको यू मस्ट कम आउट हियर एंड चेक आउट दिस फ्लैट ओवर हियर विच इज इन वर्सोवा एक्वा रेजिडेंसीज. तो ये जो है आपका व्यू था कॉमन बेडरूम से इन 3 BHK. यहाँ पे आप इसको अपना सेट कीजिए, कैबिनेट रखिए, व्हाटएवर यू वांट प्लेस, बुक्स रखिए. आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हो. तो अगर आपको इसको गेस्ट रूम बनाना है उसके लिए आप इसको वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं. सो दिस वाज द कॉमन बेडरूम. अब निकलते हुए लेट्स मूव ऑन टू द मास्टर बेडरूम. नाउ दिस इज द बिगेस्ट रूम इन द एंटायर. सो दिस इज द बिगेस्ट रूम इन द एंटायर हाउस. आप देख सकते हो ये मास्टर बेडरूम है. जब आप एंटर कर रहे हो तो ये आपको कितना ग्रैंड जो है वो फील आ रहा है यहाँ पे. इफ यू विल हैव अ लुक हियर तो आप देखेंगे यहाँ से आपको इंटायर व्यू जो है वो नजर आ रहा है. अब इसमें कुछ व्यू कॉमन बेडरूम का मिक्स है, कुछ व्यू लिविंग एरिया का मिक्स है. आप देखोगे कितनी ट्रीज जो आपको नजर आ रही है, इतना पीसफुल एरिया है, बहुत
बहुत ही ज्यादा शांति वाली वाइब आ रही है मुझे. सो आई थिंक दिस सोल एंड सेरेनिटी इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव इन योर हाउस. एंड अगेन आप यहां से अगर देखोगे तो आपको सी व्यू है जो वो भी पार्शियली नजर आने वाला है. तो ये जो है कुछ कुछ फ्लोर्स के अंदर आपको सी व्यू पार्शियली नजर आ रहा है, कुछ इसके ऑपोजिट साइड पे है जहां से आपको और ट्रीज का व्यू मिलेगा. तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एक्वा रेजिडेंसीज इन वर्सोवा टू चेक आउट कि कौन सा व्यू और कौन सी साइड ऑफ द बिल्डिंग आपको पसंद है. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे टू जो है वो विंग्स रहेंगे, ए विंग एंड बी विंग, और उनके अंदर कुछ कुछ यूनिट्स जो रहेंगे, वन इज फॉर द ओनर्स एंड द सेकंड वन इज फॉर टेनेंट्स, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. सो कमिंग बैक टू दिस मास्टर बेडरूम ऑफ 3 BHK, आप यहाँ देखेंगे बहुत ज्यादा स्पेस है. तो आप अपने वार्डरोब जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जो कि वार्डरोब स्पेस आपको ये पूरी दी गई है एंटर करके. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. अब जो है अटैच वॉशरूम चेकआउट कर लेते हैं कितना बड़ा है. ओके, सो इट इज वेरी ग्रैंड. ये 3 BHK के अटैच वॉशरूम है. इसमें आप स्पेस देखिए, वेंटिलेशन के लिए एरिया देखिए, और यहाँ से भी इफ यू विल हैव अ लुक, आपको बहुत ग्रीनरी नजर आ रही है यहाँ से भी. तो वॉशरूम के पास भी पूरी ग्रीनरी, आपको अच्छा सा व्यू नजर आ रहा है. इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इस पूरे यू नो वेंटिलेटेड एरिया को जैसा आप लगाना चाहते हैं आप वैसा डिजाइन कर सकते हैं. सो आप देखोगे यहाँ पे पूरा शार एरिया है, देन आपका यहाँ कमोड प्लेस है, एंड देन यहाँ पे कॉर्नर में जो है आपका सिंक एरिया जो बनाया गया है. तो दिस ऑल्सो आई थिंक अटैच वॉशरूम के नाते बहुत ज्यादा जगह है. ये मास्टर बेडरूम है 3 BHK का. सबसे बड़ा जो रूम है वो ये है, और प्रॉपर इन्होंने आपको बेडिंग और लैंप्स और साइड टेबल के साथ आपको दिखाया गया है. सो दिस वाज वन ऑफ द मास्टर बेडरूम्स. अब हम एक बार पूरा टूर कर लेते हैं. सो मास्टर बेडरूम है जो वो सबसे एंड में है. आगे बढ़ते हुए इस तरफ हमारा कॉमन बेडरूम है. दिस इज आवर मास्टर बेडरूम 2 विद अटैच वॉशरूम. ये कॉमन बेडरूम के साथ है, जो अंदर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एडजेसेंट वॉल पे आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिखेगा. एक चीज, एक टिप मैं आपको और दे सकती हूँ कि जो अगर आपको ये कॉमन बेडरूम को अटैच वॉशरूम की तरह बनाना है तो वो भी एक ऑप्शन है. आप जो ये वाला जो डोर है यहाँ से आप एक डोर निकाल सकते हो टू दिस वॉशरूम. सो उससे आपके तीनों जो रूम्स है वो मास्टर बेडरूम बन जाएंगे, और तीनों रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम हो जाएगा. तो कॉमन और वॉशरूम और बेडरूम में सिर्फ एक वॉल है, तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो. दिस इज योर सेकेंड मास्टर बेडरूम. और कॉरिडोर में इधर आते हुए हम देखेंगे लिविंग आ गया है, हमारा डाइनिंग आ गया है, और किचन जो है वो तो हमारी एंट्रेंस पे है. तो दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स दिस साइड. सो दिस वॉज 3 BHK ऑफ एक्वा रेजिडेंसीज इन वर्सोवा. अब इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी. तो ये जो है एक्वा रेजिडेंसीज में आपको 2 और 3 BHK अवेलेबल है. यहाँ पे 2.5 का भी ऑप्शन है. सो इसके स्क्वायर फीट में आपको एक बार बता देती हूँ. सो 2 BHK का स्क्वायर फीट है 771 स्क्वायर फीट. ये है 2 BHK का. देन एक और ऑप्शन अवेलेबल है विच इज 3 BHK. सो 3 BHK के अंदर 1044 इज योर स्क्वायर फीट विच इज अवेलेबल इन 3 BHK. सो 2 BHK 3 BHK के जो ये ऑप्शन अवेलेबल है. प्लस मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है ये वर्सोवा के. मैंने आपको बताया कि साइलेंस है बहुत आसपास, बहुत पीसफुल एरिया है. सो इट इज एक्चुअली एट अ वेरी प्राइम लोकेशन, एंड नीचे ही आपको बिल्कुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट्स राइट डाउन स्टेयर है आपकी बिल्डिंग के, जो कि मैं आपको एक व्यू में अभी दिखाने वाली हूँ इसके बाद. सो दिस वॉज अ सैम्पल फ्लैट 3 BHK. Stay tuned for more facilities and amenities. जो इसकी प्राइसिंग है वो 2 BHK की 2.8 CR onwards है, जो 3 BHK है वो 3.8 CR onwards है. और इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आने की विजिट है जो वो अरेंज कर सकते हो. प्रॉपर्टी ओके को कॉन्टैक्ट कीजिए, और यहाँ
यूनिकल और डिफरेंट चीज दिखाने वाली हूँ जो अभी तक हमने मेजरली कवर नहीं किया है किसी प्रॉपर्टी में, विच इज द टेरेस। सो अभी हम हैं एक्वा रेजिडेंसीज के टेरेस के ऊपर एंड एज यू कैन सी मेरे पीछे से एक स्पेक्टेकुलर व्यू जो है आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से आपको वो जो उधर दिख रहा है टू द एंड ऑफ इट, इट इज ऑल द बीच, वो पूरा जो है सी है और सी व्यू का जो है ये टेरेस आपको नजर आ रहा है। इसी के नीचे जो है वो बिल्डिंग्स होने वाली है जो कि बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप आसपास देख सकते हो सब यू नो बैम्बूज एंड एवरीथिंग इज प्लेस्ड हियर बिकॉज इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो टेरेस है ये ओपन फॉर ऑल रहने वाला है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रास एंड एवरीथिंग वो लोग सेट करने वाले हैं। तो मैं आपको टेरेस जो है वो थोड़ा सा और क्लोज आने के बाद यहाँ से इसका व्यू दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप वहाँ आएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे जो है ये पूरा बीच और सी व्यू है जो वो आपको नजर आ रहा है। ये पीछे जितना भी है दिस इज ऑल सी, आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वर्सोवा बीच है और यहाँ से आपको पूरा वर्सोवा बीच का व्यू जो है वो नजर आता है। रात को आपको यहाँ पे पूरी लाइटिंग सब कुछ पूरी बिल्डिंग नजर आने वाली है। अगर हम इस तरफ जाके देखेंगे तो यहाँ से जो है आपको कंटिन्यूटी में ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है। ये पूरी ट्रीज है जो वो यहाँ तक दूर दूर तक पूरा ट्रीज है। नीचे आप इसके देख सकते हैं इज गोइंग टू बी द बिल्डिंग और एमेनिटीज क्या रहेंगी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो जिम है वो बन के मिलेगा, बैंक्वेट हॉल बन के मिलने वाला है आपको, लॉन होने वाला है, इंडोर गेम्स होने वाली है। सो टेरेस के साथ साथ जिम जिमनेजियम जो है वो मिलेगा आपको, यहाँ इंडोर गेम्स मिलेंगी आपको, लॉन मिलेगा आपको, बैंक्वेट हॉल भी मिलेगा। सो इनसाइड एक्वा रेजिडेंसीज आप बैंक्वेट हॉल्स भी बुक कर सकते हैं, आपका क्लब हाउस जो है उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ये सब एमेनिटीज हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। टेरेस आई थिंक इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज यूजुअली यू नो अगर आपको थोड़ा सा चिल करने के लिए या आपने वॉक करने के लिए थोड़ी देर आना है तो ये जो टेरेस है ये स्पेक्टेकुलर व्यू जो आपको यहाँ से देने वाला है। बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ, आप यहाँ पे घूमेंगे तो यू विल हैव अ लुक हियर कि ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है फिलहाल और ये काफी बड़ा है, इसको वहाँ उस तरफ भी इसकी जगह है तो काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज जो है वो नजर आएंगे आपको। दिस साइड अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बीच का और सी का व्यू आने वाला है, दिखने वाला है। और यहाँ से आपको थोड़ी सी ट्रीज दिखेगी और यहाँ से आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्सोवा बीच दिखेगा। आप यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ बिग ह्यूज सी ओवर देयर, सो विच ऑल्सो मेक्स इट अ सी अपार्टमेंट। ये जो पूरी सोसाइटी है ये आपको यू नो सी के उससे बनी है तो आपको ये बोला जा रहा है कि दिस इज अ सी व्यू अपार्टमेंट, सो दिस इज अ बेनिफिट ओवर हियर। अगर आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये टेरेस है और ये टेरेस के यहाँ से जो व्यू है इट इज अमेजिंग अमेजिंग व्यू। आप नीचे भी अगर थोड़ा सा देख सकते हैं तो सो दिस इज योर व्यू फ्रॉम द टेरेस।
एक्वा रेजिडेंसी इन वर्सोवा और प्रॉपर्टीज के लिए हमारे साथ बने रहिए, वॉच आउट दिस चैनल बाय प्रॉपर्टी ओके। मैंने आज आपको सैंपल फ्लैट, टेरेस, सब एमेनिटीज, सब कुछ दिखा दिया है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।